कुमार वेरका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, क्या हम ये कहें कि घर आ गया परदेसी? हाँ, ये कह सकते हो, लेकिन जो परदेसी है वो पहले से, जैसे कहते हैं ना कि गुल बदन को जिस तरह गुलफाम याद आ गया, जिस चमन में भी गए अपना चमन याद आ गया, किसी किसी सामने वाले से तू कर तो लेगा दोस्ती, क्या करोगे जब उसे अपना वतन याद आ गया। और जब अपना वतन याद आ जाता है तो फिर अपने वतन में ही वापसी अच्छी लगती है। हमने सुना कि जो अभी राहुल गांधी बीच में गए और वहां आपसे उनकी मुलाकात हुई और तब जाकर आपका मन बदला कि वापस चलते हैं एक बार अपने घर की और अपनी पार्टी की ओर। नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन असलियत बात यह थी कि जिस तरीके से बीजेपी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों का विश्वास हासिल करने में बीजेपी नाकामयाब हुई है और बीजेपी के ऊपर पंजाब के लोग भरोसा नहीं कर रहे थे और सब लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि नहीं, बीजेपी के ऊपर हम लोगों को भरोसा नहीं है। जब मेरे पंजाब के लोगों को बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर हम लोगों को भी अपने फैसले को जो है रिकन्सिडर करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक डेमोक्रेसी में पला हुआ इंसान हूँ, मैं तो जमहूरियत में पला हुआ इंसान हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी में किसी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है। एक दलित समुदाय को आप हमेशा रिप्रेजेंट करते आए हैं, काफी लोग आपके प्रशंसक हैं, आपके साथ हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं, तमाम लोगों की जो सोच है जो कि आपने बदली, दोबारा बदलेंगे, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जिस सोच और समझ के साथ आप भाजपा में गए थे वो चीजें, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। देखिए, उन लोगों ने अपनी सोच तो मेरे साथियों ने कही, उन्होंने बदली, लेकिन सोच बदलने के बावजूद भी उनका मन नहीं टिक रहा था। और मैंने आपको कहा कि पंजाब के लोग, जो खास करके मिनोरिटीज के लोग हैं, एससी के लोग हैं या दूसरे कम्युनिटियों के लोग हैं, वो सब लोगों को ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं हमें इंसाफ नहीं देगी, तो वो उनके ऊपर उनका जो दिल नहीं ठहर रहा था, तो इसलिए वो सब लोग मिलके ये मुझे बार बार मजबूर कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं आप छोड़ो और आप वापस जाओ कांग्रेस में, तो मैंने इसलिए अपनी गलती को सुधारा और कांग्रेस में वापसी हो गई। वीरका जी, जो आपकी टीम थी, बाजवा साहब, राजा वरिंग जी, चन्नी जी, तमाम लोग जो आपके साथ के लोग थे, आपकी पार्टी के लोग थे, अब वो खुश हैं आपके इस वापसी से? सब लोग खुश हैं, आप सब लोगों से बात करिए, सब लोग आए हुए हैं और सब लोग खुश हैं। और आपके साथ और कौन कौन शामिल हो गया? मैंने कहा कि अकाली दल के कुछ 3-4 मिनिस्टर हैं, वो आज शामिल हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजकुमार वीरका, साफ तौर पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन वापस थामा है और सबसे बड़ी बात, ये वक्त की डिमांड थी, ये वक्त की जरूरत थी, आखिर घर वापसी हो गई है, ऐसा कहना है राजकुमार वीरका का। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, News 18।